हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कोका कोला या अन्य सॉफ्ट ड्रिंक का जो सोर और शार्प फ्लेवर होता है वह फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो फिज साउंड आपको सुनाई देता है वह साउंड H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएशन की वजह से सुनाई देता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है। आज हम बात करने वाले हैं एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हम एसिड बेस का इंट्रोडक्शन और इनको टेस्ट करने के लिए इन किन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर किस एसिड के साथ किस तरह का कलर देता है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं। एक साइड हम ले लेते हैं एसिड और एक साइड ले लेते हैं बेस। ठीक है, तो देखिए जो एसिड्स होते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं, तो एसिड जो होते हैं ये टेस्ट में सोर होते हैं, और जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं। ठीक है, एसिड वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिडस से माना जाता है, जिसका मीन्स होता है सोर। ठीक है, और इनको जब हम टच करते हैं तो ये सोपी टच देते हैं, सोपी टच जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिड्स चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि ये जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, एसिड भी और बेस में। ठीक है, यानी ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो देखिए जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, एसिड्स गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स के साथ एसिड रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक की रिएक्शन, जिंक एक मेटल हो गई। ठीक है, एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, उसमें यहाँ पे आपको जिंक ग्रैनुल्स लेना है। ठीक है, जिंक ग्रैनुल्स लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 डालना है। ठीक, फिर इसको पूरा हम कॉर्क से एयर टाइट कर देंगे और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब निकालेंगे, ठीक है, और उस डिलीवरी ट्यूब को हम यहाँ पर और इसको हम एक स्टैंड से कस देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसको, ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसको हम एक सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक, इस सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, तो देखो यहाँ पे हमने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जब सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो यहाँ से सोप के सॉल्यूशन के बबल्स ऊपर उठेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इन बबल्स को हम यहाँ पर एक कैंडल ला करके और यहाँ पे इस बबल्स को बर्न करके देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बबल्स हैं ये पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं, तो ये हाइड्रोजन का एक करैक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन करैक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई गैस कहीं से निकल रही है तो वो गैस हाइड्रोजन ही है, ये वेरीफाई करने के लिए हम उसको बर्न करके देखते हैं। अगर वो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है तो वो हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से देखिए, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप जिंक की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराओ तब क्या बन जाएगा, देखिए ZnSO4
Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये देखिए साल्ट बनते जा रहे हैं, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन बन गया। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कैल्शियम, कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखिए क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सारे एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस जो होते हैं वह भी मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जिंक की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो देखिए क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिए जो Na2ZnO2 है इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सारी मेटल्स जो होती हैं बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो किसी भी मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, हमेशा साल्ट, वाटर और एक गैस निकलती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बोनेट ले लेते हैं सोडियम का, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एक बीकर में हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया, प्लस इसमें ले लेते हैं HCl, तो देखिए क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ये Cl इस सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन भी हम HCl के साथ करवाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ भी NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले जब हाइड्रोजन गैस निकली थी तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्या इसका भी कोई आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में बात कर चुके हैं, फिर मैं आपको अगेन रिपीट करवा देता हूँ कि जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लाइम वाटर में इंसर्ट करते हैं, लाइम वाटर में इंसर्ट करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में इंसर्ट करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अगर कोई भी गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही आपको एक्टिविटी समझाया गया है, ठीक है, बीकर टेस्ट ट्यूब लेंगे, वहाँ से डिलीवरी ट्यूब निकालेंगे, उसको लाइम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। तो लाइम वाटर आप जानते हैं क्या होता है, CaOH का ऑल्टवाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये लाइम वाटर है, इसमें आपने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे लाइम स्टोन, चौक,
या मार्बल, ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या बनती है, वाइट प्रेसिपिटेट बनती है। ठीक है, ये इनसॉल्यूबल होती है वाटर में, ये वाटर में कैसी होती है, इनसॉल्यूबल होती है। तो इस इनसॉल्यूबल लेयर के प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ही, और ये वाइट कलर की होती है, ठीक है, मिल्की होती है, तो वो सॉल्यूशन को क्या बना देती है, मिल्की बना देती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंसर्ट करते हैं, वो उसको मिल्की टर्न कर देती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लगातार लगातार करते रहें ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें लाइम वाटर सॉल्यूशन में डालें, तो यह जो मिल्की कलर है वापस से डिसअपीयर हो जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए इसका क्या रीज़न है, देखिए यहाँ पर आप देखें सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या क्या है इसमें, CO, CO3 है, ठीक है, वाटर है, अभी इसमें हम क्या डालते जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जा रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जा रहे हैं, तो क्या बन जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, अब ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ये वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये जो इनसॉल्यूबल जो प्रेसिपिटेट थी कैल्शियम कार्बोनेट की, वो अब डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूबल हो गई, तो अपने आप क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। इस वजह से अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट करते हैं लाइम वाटर में, तो उसका मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या बेसिस मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण क्या है, देखिए जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, कार्बोनेट भी कैसे होंगे फिर, बेसिक नेचर के होंगे, तो बेस बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड बेस की क्या हो सकती है, तो देखिए एसिड और बेस रिएक्शन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं। तो देखिए इसे हम एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं, या इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, जिसे क्या एसिड जो है अगर उसकी रिएक्शन आप बेस के साथ करवाते हैं तो बेस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, या बेस के सॉल्यूशन में आप एसिड डालोगे तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इस वजह से यानी दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एसिड ले लेते हैं HCl, बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक, तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकलेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, राइट, और प्लस में क्या निकलेगा, H2O। तो यानी एसिड बेस रिएक्शन में आप लिख सकते हैं क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड, आप ऐसे किसे भी लिखते हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, या बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एक ही बात है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एसिड ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, बेस यही ले लेते हैं NaOH, तो देखिए क्या बनेगा, इसको ट्वाइस कर लेते हैं, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी आप एसिड की किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड मीन्स मेटल के ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके एसिड क्या देते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो एसिड्स हैं वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक
एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि एक बीकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे, HCl डालकर इसको स्टिर करेंगे स्टिरर की मदद से, ठीक। तो जब हम स्टिर करेंगे तो ये जो कलर होता है कॉपर ऑक्साइड का, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, ये Cl इसके साथ जुड़ेगा कॉपर के साथ, क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो जब मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। आई थिंक मैंने पहले हाइड्रोजन बोल दिया था, तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, इसे आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, और अपन एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आप मेटल ले लें, ठीक है। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, प्लस हम HCl ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा साल्ट एंड वाटर देते हैं। तो क्या अब मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेसिस रिएक्ट करेंगे, तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेसिस रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं, ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया, ठीक। तो फिर बेसिस किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो बेसिस जो होते हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अभी अभी रिसेंटली हमने करी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस क्या बनता है, H2O, तो यानी साल्ट एंड वाटर बनता है। तो देखिए याद करना आसान है, एसिड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड के साथ, अब आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन मेटल के ऑक्साइड के साथ करेगा, कौन नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो इसमें बेसिक चीज़ आपको समझना है कि एसिड के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो बेस जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो एसिड किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो झंझट नहीं है आपको ज़्यादा याद करने का। तो देखिए जब भी बेस किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक, और एसिड जब मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बेस चेंज कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, MgCO3 का होल ट्वाइस आएगा, आई थिंक, हाँ सॉरी, MgCO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे हम NaOH ले सकते हैं, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, यहाँ इसको ट्वाइस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वह बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, साल्ट एंड वाटर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो अपना यहाँ तक का एसिड और बेस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, और भी एसिड बेस के बारे में हम डिटेल में और आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि एसिड बेसिस में कॉमन क्या होता है, एसिड बेस pH स्केल क्या होता है ना, और साल्ट के बारे में हम समझेंगे। तो ये पूरा एक सीरीज इस चैप्टर की चल रही है,
ठीक है। तो इस पूरी सीरीज़ को आप देखें और इस चैप्टर को ध्यान समझें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए, मेरे हौसले को बढ़ाते रहें, लाइक का बटन दबाते रहें। थैंक यू वेरी मच।